हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वायरल बनता। तो गाइस, आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सॉल्यूशन लोगों के लिए जो कि गूगल डायलर यूज़ करते हैं। तो कुछ लोग गाइस जो रोम इंस्टॉल करते हैं, जो मतलब गैप्स वर्जन होता है रोम का, उनको गूगल डायलर बाय डिफॉल्ट देखने के लिए मिलता है और गूगल डायलर यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर उसमें एक इश्यू है कि उसमें कुछ लोगों को तो कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, और जिनको मिलता है तो उसके कॉल रिकॉर्डिंग में एक अनाउंसमेंट फीचर रहता है, यानी कि अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करते हो तो वो गूगल डायलर अनाउंस कर देता है कि दिस कॉल इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, और फिर सामने वाले को जिसको आपने कॉल किया उसको पता लग जाता है कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो ये एक इश्यू हो जाता है कुछ लोगों के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर मैं AOSP यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि पैरानॉइड एंड्रॉइड 11 रोम है ऑन जेन फोन मैक्स प्रो M1। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है गूगल डायलर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, गूगल डायलर है। इसके अंदर अगर मैं कॉल करता हूँ या फिर नंबर डायल करता हूँ तो इसके अंदर मुझे कोई कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने के लिए नहीं मिलता है पैरानॉइड एंड्रॉइड रोम के अंदर, और जिन रोम्स में मिलता है तो वही अनाउंसमेंट वाला इशू उसके अंदर होता है गूगल डायलर के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपके लिए गूगल डायलर का रिप्लेसमेंट लेके आया हूँ फॉर नॉन रूटेड यूजर्स एंड रूटेड यूजर्स एज वेल। सबसे पहले कैसे हम बात करते हैं नॉन रूटेड यूजर्स के लिए, तो यहाँ पर है OctaviaOS का डायलर। जिन लोगों को पता नहीं है, OctaviaOS एक कस्टम रोम है, तो ये अपनी रोम को एक बहुत यूनिक डिज़ाइन देना चाहते हैं और मतलब उनमें सक्सेस भी हो रहा है। मतलब बहुत शानदार रोम है OctaviaOS कस्टमाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर OctaviaOS का एक नया डायलर है जो कि उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया है। तो OctaviaOS डायलर यहाँ पर मैं आपको इंस्टॉल करके बताता हूँ। तो ये नॉन रूटेड यूज़र्स के लिए भी काम करता है। इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है, अभी आपको इसको ओपन नहीं करना है गाइस। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो ये यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। आपको क्या करना है कि इसकी ऐप इन्फॉर्मेशन के अंदर जाना है और फिर एडवांस पे जाना है। यहाँ पर फ़ोन ऐप आपको नज़र आएगा, इस पर क्लिक करके इस वाले डायलर को आपको सेलेक्ट कर लेना है जो आपका न्यू OctaviaOS डायलर है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही आप ऐसा करते हो तो सारी जो रिक्वायर्ड परमिशंस होती है वो ग्रांट हो जाएंगी, और फाइल्स एंड मीडिया भी आप ग्रांट कर देना अगर आपको रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है। तो यहाँ पर अब मैं आपको डायलर ओपन करके दिखाता हूँ गाइस। यहाँ पर मैं 198 डायल करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस वाले डायलर का UI जो है OxygenOS की तरह नज़र आता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। पर गाइस, एक दिक्कत यह है कि मेरी वाली कस्टम रोम में AOSP है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें जो रिकॉर्डेड साउंड है उसमें मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, VLC से मैं जाकर प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ म्यूज़िक में जाएंगे, कॉल रिकॉर्डिंग्स, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मुझे कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ से। आप जो भी रोम यूज़ कर रहे हो उस पर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपके लिए काम करता है या नहीं करता है। तो फिलहाल अब मैं आपको रूटेड वाला ऑप्शन बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको जाना है मजेस के ऊपर, और गाइस यहाँ पर आपको एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना है जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस, ये रहा डायलर। इस डायलर का नाम है AOSP डायलर। तो AOSP डायलर को मैं OxygenOS रूम पर भी यूज़ कर चुका हूँ गाइस। तो गाइस, आपको वॉल्यूम की यहाँ पर प्रेस कर देनी है कोई भी। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू इंस्टॉल AOSP डायलर, तो आपको वॉल्यूम अप प्रेस करना है। दूसरी चीज़ ये पूछता है कि डिसेबल गूगल डायलर। तो गाइस देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस पर भी आपको नो करना है, क्योंकि अगर आप गूगल डायलर रिप्लेस कर देते हो और ये वाला मॉड्यूल आपके रोम पर काम नहीं करता है तो फिर आपका गूगल डायलर भी चला जाएगा और वो वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस पर भी नो कर दो, क्योंकि ये सिर्फ गूगल डायलर रिप्लेस नहीं करता है गाइस। अगर आप कोई भी रोम यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मैंने OxygenOS पर ये मॉड्यूल इंस्टॉल किया और गूगल डायलर वाले ऑप्शन पे मैंने यस कर दिया था, तो मेरा जो स्टॉक OxygenOS डायलर है वो रिप्लेस हो गया, गायब हो गया। यहाँ पर आपको नो करके सिंपली फ़ोन को रिबूट कर देना है गाइस। तो गाइस, यहाँ पर फ़ोन हमारा बूट हो चुका है, इसको करते हैं अनलॉक। और इस बार आप देखेंगे कि आपको दो दो डायलर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो पहला वाला डायलर है, ये है हमारा नया वाला डायलर AOSP डायलर, और अगर आप देखेंगे तो ये भी जो है अभी OctaviaOS वाला जो डायलर हमने देखा था उसकी तरह लगता है, पर एक्चुअली ये जो AOSP डायलर है गाइस, नेज़ुको OS से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो नेज़ुको OS, अब मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ कि क्रेडिट किसको देना चाहिए, नेज़ुको OS या फिर OctaviaOS, क्योंकि दोनों ही काफ़ी सिमिलर लगते हैं और मुझे पता नहीं कि एक्चुअल में ये डायलर किसकी तरफ से मिलता है, OctaviaOS या फिर नेज़ुको OS। तो इस वाली ऐप पर भी गाइस आप लॉन्ग होल्ड करोगे, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाओगे और फिर ये जो आपका डायलर है इसको डिफ़ॉल्ट फ़ोन ऐप पर आप सेलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पर हम जाते हैं फ़ोन ऐप पर, और ये जो सेकंड वाला है जो हमारा नेज़ुको OS या फिर AOSP डायलर है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप कॉल कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ 198, और आप देख सकते हैं कि फिर से सिमिलर सा लगता है बिल्कुल, मतलब जैसा हमारा OctaviaOS डायलर था वैसा ही नेज़ुको AOSP डायलर है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ओरिजिन किसका है, पर गाइस अगर मैं इस पर रिकॉर्डिंग इनेबल करता हूँ और कॉल हम कट करते हैं, फिर मैं यहाँ पर जाता हूँ गाइस VLC प्लेयर पे, और मैं चाहता हूँ इंटरनल मेमोरी, यहाँ पर मैं जाऊँगा म्यूज़िक,
कॉल रिकॉर्डिंग्स और फिर दो रिकॉर्डिंग है, ये लेटेस्ट है तो प्ले करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि इस वाले में कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है अच्छी तरीके से, जो हमारा मजेस्क वर्जन वाला है, रूटेड वाला, जो नॉन रूट वाला है वो मेरे पे काम नहीं कर रहा है, अगर आपके पे करता है तो कमेंट्स में बताना, नहीं करता है तो भी बताना। और भी कुछ फीचर्स जो आपको इस डायलर के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। थ्री डॉट मेन्यू पर जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, साउंड एंड वाइब्रेशन पर जाते हैं, तो यहाँ पर आप की टोन्स, वाइब्रेशन वगैरह इनेबल कर सकते हो। ऑडियो फॉर्मेट, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि आपको वो की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको इनेबल करते हो तो आपके कॉल्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होंगे। और बाकी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है क्विक रिस्पॉन्सेज अगर आप मैसेज वगैरह करते हो। हाँ, एक चीज़ और है गाइस इस डायलर के अंदर कि अगर आप यहाँ पर स्वाइप करते हो, स्वाइप राइट, आपकी जो रिसेंट कॉल लॉग है इसके अंदर अगर आप स्वाइप राइट करते हो तो आपका जो कॉल लॉग है वो डिलीट हो जाता है। अगर आप स्वाइप लेफ्ट करते हो तो यहाँ पर मैसेज सेंड आप कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैसेज एप्लीकेशन ओपन हो चुकी, तो स्वाइप एक्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि बहुत शानदार बात है। अब गूगल डायलर से तो ये मतलब 100% बेटर ही है, तो अब हमारे जो गूगल डायलर है इसको डिफ़ॉल्ट सेट करना पड़ेगा, इसको हम छोड़ते हैं। ये रहा हमारा नेज़ुको AOSP डायलर, तो चॉइस आपकी है कि अगर आप गूगल डायलर चलाना चाहते हो तो गूगल डायलर चलाओ, और अगर आप AOSP डायलर चलाना चाहते हो तो वो भी चला सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये जो AOSP डायलर है सिर्फ AOSP कस्टम रूम्स पर काम करेगा, ऑक्सीजन पर भी अच्छे से 100% वर्किंग था, तो मेरे ख्याल से जो अदर OEM रूम्स होती है उस पर भी अच्छे से काम करना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ये वीडियो ज़रा भी आपकी काम की निकली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक और आप मेरी वीडियोस हमेशा देखते हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी कर लो यार साथ में। अब गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।